हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के हिंदी के ब्रिज कोर्स का पार्ट 5 का कार्यपत्रक 1 और 2। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो तुरंत मिल जाए। तो चलो बच्चों फिर से शुरू करते हैं। दिए गए शब्दों के अर्थ सहित वाक्य बनाए। शब्द दे रखे हैं, उनके अर्थ हमें लिखना है और वाक्य बनाना है। एक उदाहरण यहाँ दे रखा है, मृदुभाषी मीठी वाणी बोलने वाला, है ना। मृदुभाषी का अर्थ यहाँ दे रखा है, मीठी वाणी बोलने वाला। फिर उसका वाक्य बनाया, उसका वाक्य में प्रयोग कर दिया है, हमें सदैव मृदुभाषी होना चाहिए। अब दूसरा शब्द दे रखा सम्माननीय, तो इसका अर्थ हम लिखेंगे सम्मान के योग्य। सम्माननीय का अर्थ लिखा हमने सम्मान के योग्य, और इसका वाक्य बनाएंगे मेरे शिक्षक एक सम्माननीय व्यक्ति है, ठीक है, या हमारे गांव के सरपंच बहुत सम्माननीय है, या जो भी आप, मेरे दादाजी बहुत सम्माननीय, या जो भी आप अपना वाक्य बना सकते हो। अविस्मरणीय दूसरा शब्द है, अविस्मरणीय ना भुलाने योग्य, या अविस्मरणीय का अर्थ है जिसे भुलाया ना जा सके, ये भी लिख सकते हो आप, जिसे भुलाया ना जा सके। तो यहाँ हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे शिमला में मैंने अविस्मरणीय दृश्य देखे। शिमला में मैंने अविस्मरणीय दृश्य देखे, ठीक है बच्चों। फरिश्ता का अर्थ है भगवान का दूत, है ना, जिसे भगवान ने भेजा हो, भगवान का दूत, ठीक है। तो यहाँ हम वाक्य में प्रयोग करेंगे हर बच्चा एक फरिश्ता होता है, हर बच्चा एक फरिश्ता होता है, है ना बच्चों। अगला है अगाध मतलब बहुत अधिक, है ना, इसका वाक्य में प्रयोग करो मुझे ईश्वर में अगाध श्रद्धा है, मुझे ईश्वर में अगाध श्रद्धा है, ठीक है। सहानुभूति मतलब दया की भावना, तो इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे हमें दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, है ना, हमें दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, यहाँ लिख देती हूँ, है ना, रखनी चाहिए, ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है कनखियों आँख की कोरों से, है ना, यहाँ पे लिखेंगे वाक्यों में प्रयोग हमें कुछ बातें कनखियों से ही लोटा देनी चाहिए, मतलब हमें कुछ बातों को अनदेखा कर देना चाहिए। तो कनखियों मतलब आँख की कोरों से, ठीक है, कोरों से। बाहुबल अगला शब्द है, बाहुबल, तो बाहुबल का अर्थ क्या है, भुजाओं का बल, है ना, भुजाओं का बल। वाक्यों में प्रयोग कर दो अपने मन से कुछ भी। विजेता पहलवान में बहुत बाहुबल था, विजेता पहलवान में बहुत बाहुबल था, या भीम में बहुत बाहुबल था, है ना, ये भी लिख सकते हो आप अपने मन से, दूसरा भी बना के लिख सकते हो। अंतरात्मा
अंतरात्मा का है मन की आवाज। अंतरात्मा मन की आवाज या अपने अंदर की आवाज या आत्मा की आवाज भी लिख सकते हैं। अंतरात्मा हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज, अंतरात्मा हमें अपनी अंतरात्मा की बात माननी चाहिए, है ना, माननी चाहिए। या गलत काम करने के लिए मेरी अंतरात्मा नहीं मानती है ना, ऐसा भी लिख सकते हो आप। संकियो, संकियो मतलब बात बात में गुस्सा करने वाले, है ना। संकियो मतलब बात बात में गुस्सा करने वाले लोगों को संकियो कहते हैं। तो संकियो, संकियो से सदैव दूर रहना चाहिए, है ना। संकियो से सदैव दूर रहना चाहिए, है ना बच्चों। आप दूसरी तरह के वाक्य भी अपने मन से इसी तरह के बना सकते हो। अब हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक दो, जो कि बहुत बहुत आसान है। रिक्त स्थान की पूर्ति करें, है ना। सुंदरता, प्रणयता, दुश्मनों, जीत, असफलता, अच्छा। यदि आपने ये पाठ पढ़ा होगा तो उसमें सारे वाक्य हैं, तो आप आसानी से इनको कर सकते हैं। दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श प्रणेता भी होते हैं, के साथ मित्र भी होते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, दुश्मनों के साथ मित्र भी होते हैं। हर विरूपता के साथ, हर विरूपता के साथ सुंदरता भी होती है, तो यहाँ क्या आएगा, सुंदरता भी होती है। हार के साथ जीत की खुशियाँ मनाना, धोखे से सफलता पाने से असफल, असफल होना सम्माननीय है। बुरा है कौन और अच्छा है कौन, ठीक है बच्चों, बुरा है कौन और अच्छा है कौन। तो ये पूरा हो गया है